माई YouTube चैनल विद्या अकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। वीडियो है पास्ट टेंस का इंग्लिश ग्रामर का और पार्ट टू चलेगा पास्ट टेंस का, इसके अंदर मैं आपको आज 10 एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। जस्ट आपको उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। पास्ट इंडेफिनेट में क्या बताया गया है कि सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म यूज करना, फिर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड होती है, उसके बाद नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस में, और फिर फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। इंटरोगेटिव में हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करना है, डिड उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मेशन दिया हुआ है, डिड सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर जिसको ये पता है वो इजीली इसको ट्रांसलेट कर सकता है। जस्ट उसको थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब आना चाहिए। और हाँ, इसके अंदर जरूर याद रखना है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ ये यूज हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला है हम खाना खाए। अब इसमें क्या है सब्जेक्ट, और खाए क्या हुआ वर्ब, और खाना हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ हम, उसके बाद खाए वर्ब हो गई, और खाना क्या हो गया ऑब्जेक्ट। यूज करेंगे इसको आप हम के लिए क्या करेंगे वी, सेकंड फॉर्म क्या होगी ईट एट और द फूड। राहुल मैदान में नहीं दौड़ा, राहुल मैदान में नहीं वाला होता है नेगेटिव सेंटेंस, आप आराम से देख सकते हो, इसको एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। राहुल नहीं डिड नॉट, अब दौड़ना को रन बोलते हैं, इन द फील्ड राहुल डिडंट रन इन द फील्ड, या ग्राउंड भी आप इसकी जगह लिख सकते हैं। अगला आ गया क्या अनुज ने पढ़ाया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या से शुरू हुआ है, तो क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे जो है इसमें डिड, फिर सब्जेक्ट जो है अनुज, और पढ़ाना हो गई वर्ब डिड अनुज टीच, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सिंपल सा है ये। इसके बाद अमित ने फिल्म देखी, अमित देखना वर्ब हुआ इसमें, और फिल्म ऑब्जेक्ट, अमित सब्जेक्ट, देखना होता है वॉच। अमित वॉच्ड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे द मूवी, क्या हो जाएगा अमित वॉच्ड द मूवी। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, हम स्कूल नहीं गए, आइडेंटिफाई करेंगे ये हो गया सब्जेक्ट, जाना होता है वर्ब, और स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। हम के लिए क्या होगा वी, नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट लिख दीजिए सीधा सा, जाना को क्या बोलते हैं गो, और कहां नहीं गए टू स्कूल, सब घर गए सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव, ऑल वेंट टू हाउस और होम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या तुम नहीं खाए, क्या तुम नहीं खाए इंटरोगेटिव, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे आप डिड, फिर सब्जेक्ट यू, नहीं भी है इसमें नॉट, खाना को क्या बोलते हैं ईट, ठीक है डिड यू नॉट ईट। अब इसके अंदर फूड यूज नहीं करना है, इसके अंदर फूड यूज नहीं करना है, क्योंकि फूड यानी कि खाना इसमें नहीं लिखा गया। क्या तुम नहीं खाए, क्या तुम नहीं खाए डिड, क्या क्या की जगह हो गया सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए नॉट भी लगेगा, और खाए मतलब ईट। क्वेश्चन मार्क, मनु ने खाना नहीं खाया, मनु डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ईट द फूड,
मनु डिडंट ईट द फूड, ये हो गया इसका एट का ट्रांसलेशन। बहुत सिंपल से मेथड है। आगे चलते हैं, दो और जरा देखते हैं, एग्जांपल जरा देखते हैं। तुमने केला खरीदा, सब्जेक्ट खरीदना हो गया, पर बाय बॉट बॉट केला हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। तो यू सेकंड फॉर्म देखिए, बाय की क्या होगी, बॉट बनाना, नरेश ने आम नहीं खाया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नरेश नेगेटिव में क्या लगता है, डिड नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म द मैंगो, मैंगो यहां भी आप द बनाना कर दो क्योंकि वो खरीद लिया, डेफिनेट हो चुका है। तो ये थे इसके 10 एग्जांपल। बेसिक नॉलेज क्या है इसकी, ये सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल जो बताते हैं सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म यूज करें, नेगेटिव में डिड यूज करें और फिर फर्स्ट फॉर्म नॉट के बाद, और इंटरोगेटिव में हमेशा डिड पहले यूज होता है। ये सभी एग्जांपल्स आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और हाँ कमेंट जरूर करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले टाइम से अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।